आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। चलिए बात करते हैं देश प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त तक वर्षा का दौर, आज 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवा के साथ बिजली गिरने चमकने की भी चेतावनी। एमपी में ओंकारेश्वर कुंडालिया डैम के गेट खुले, झाबुआ अलीराजपुर सहित 15 जिलों में होगी भारी बारिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान, कहा कि लद्दाख को समृद्ध बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने पूरा करने गृह मंत्रालय ने लिया है फैसला। ग्वालियर में जन्माष्टमी पर 100 करोड़ के गहनों से सजे राधा कृष्ण, एमपी का 105 साल पुराना गोपाल मंदिर सिंधिया राजवंश ने कराया था निर्माण। स्त्री टूक का हवाला देते हुए कोलकाता रेप केस पर ट्विंकल खन्ना ने दिया बयान, कहा आदमियों से ज्यादा भूतों से सुरक्षित है भारतीय महिलाएं। एमपी के उज्जैन में जन्माष्टमी की धूम, सभी कृष्ण मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। यूपी के गोंडा में स्कूल जा रही 2 छात्राओं को 4 बदमाशों ने किया अपहरण, फिर दोनों के साथ की दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर शराब के अवैध कारोबार में लिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 1.25 लाख की देशी शराब जब्त। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में यूपीएस लागू करने की तैयारी, 17 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। एमपी के खरगोन जिले के देव पिपलिया गांव में तेज बारिश में नाले में फंसा शख्स, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन कर एसटीआरएफ ने निकाला बाहर। तो ये थी आज की देश प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। लगातार ऐसे ही अपडेट्स और बुलेटिन के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी के साथ।